नमस्कार, फिर से एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। गर्मी बहुत है, इस गर्मी में किस तरीके से ठंडा होना है, चलिए कुछ नमूने से सीखते हैं। इन नमूनों ने एक अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है कि आपके शरीर को आप किस तरीके से ठंडा कर सकते हैं। इससे भी आपको अगर ठंडक नहीं मिला तो इन नमूनों को देख के आप सीख सकते हो। गर्मी भागा कि नहीं? अगर नहीं भागा तो तुम लोग भाड़ में जाओ। इतना करने के बाद भी अगर तुम्हारा गर्मी नहीं भागता है तो तुम्हारा गर्मी कभी नहीं भागेगा। और जिनकी गर्मी कभी नहीं भागेगा उनका हाल कुछ इन जैसो होने वाला है। इसके बाद भी अगर तुम्हारे अंदर गर्मी बच जाता है तो तुम्हें इस तरीके के अपाहिज सांप बनकर जिंदगी भर बिताना पड़ेगा। रोड रोड घूमना पड़ेगा, दर दर भटकना पड़ेगा, फिर तुम्हारा शायद गर्मी जाए। बाकी सब तो ठीक है, ये सपेरा क्या कर रहा है? ऐसा लगता है इसे बवासीर हो गया। बवासीर हो गया होगा तो समय पे इलाज करवा ले, नहीं तो जिंदगी भर आंडू पांडू होके घूमना पड़ेगा और अपने तशरीफ में सूजन लेके इस तरीके से बैठना पड़ेगा, ना बैठा जाएगा ना उठा जाएगा। आप सभी ने परी, जल परी तो देख लिया होगा, पर इस नमूने को देखिए, ये एक प्रकार का सांप परी है। सांप परी नहीं, सांप परा है। ये तो भारत का ज्वालामुखी सितारा है। कपड़े नहीं है तंबू लपेट लो, पैंट नहीं है फिर तुम बरसाती लपेट लो, तो सोचो ये कितना बड़ा भारत का सितारा है। हम पहले बहनी नहर का जमाना के डरे, अरे कहरा तारा देख के का मूड तो फारे। ऐसे का तेरे पता है हम पहले। और ये तंबू लपेट के बन जाओ उर्फी जावेद की सेकेंड हैंड हस्बैंड। तुम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जलपरी की नाम तो सुना होगा, मूवी में कभी ना कभी इन जलपरी को देखा भी होगा, पर ये सब नकली है। चलो मैं दिखाता हूँ एकदम असली तरताजा हिलता हुआ जलपरा। देखा ना जलपरा कैसे छटपट कर रहा है, उसके बाबासिर वाले पूछ कैसे फड़फड़ा रहा है, एकदम नागिन जैसा। ऐसा लग रहा है कि बाबासिर में दर्द हो रहा है इसलिए बार बार ऐसे ऐसे करके फड़फड़ा रहा है। अगर दुनिया में कहीं पर सच में जलपरी हुआ तो इस बाबासिर को देखकर वो बोलेगा मैं घास में फांसी लगा कर मर जाता हूँ, साथ में बोलेगा कि मुझे इस बवासीर से मुक्ति दो। हाँ भाई, माना गर्मी है और गर्मी में पाउडर भी लगाना चाहिए, तो तू सिर्फ खाली अपने मुंह में क्यों पाउडर पोत रहा है? बम पर जल्दी पाउडर लगाओ और गर्मी भगाओ।
आजकल बाजार में फकीरों को बिजनेस जोरों शोरों से चल रहा है। पैसे नहीं है, झोला उठाओ और बोलो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। खाने को नहीं है, दर दर जाओ और झोला फैलाओ, बोलो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। पैसे नहीं है, झोला उठाओ, घर घर जाओ और बोलो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। दारू पीना है, झोला उठाओ, दर दर पर जाओ और बोलो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। गुटखा खाके अपने सड़ी हुई दांतों को और सड़ाना है तो जाओ, झोला उठाओ, दर दर घूमो, गुटखा खाओ और बोलो अल्लाह के नाम पर कुछ दे दे। अल्लाह के नाम पर मांगेंगे तो कोई ना कुछ दे ही देगा, इसीलिए ये फकीर भी 10-12 झोला लेके निकल पड़ा कुछ ना कुछ मांगने। ये वीडियो देखकर भी अगर लोगों के अंदर से उनकी गर्मी नहीं भागा तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। अगर पानी नहीं मिले तो इस तरीके से बर्फ में डूब कर मर जाओ। इन लोगों के हरकतों से लग रहा है पब्लिक प्लेस पर ऐसे करने के कारण इनकी एक दिन ऐसी कुटाई होगी और बम की फुटाई भी हो जाएगी। फिर ना बैठ पाएगा ना खड़ा हो पाएगा, व्हीलचेयर लेके फिर गर्मी भगाना पड़ेगा। बोला था ना ये एक दिन कुटेगा और इसका बम भी फूटेगा, लो ये कुटा और फूटा भी, और इसके बम में इतनी कुटाई पड़ा कि अब व्हीलचेयर लेके घूमना पड़ रहा है। उसका बम तो फूटा, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो नहीं तो तुम लोगों का बम भी फूट जाएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। Oh,